देखिए टॉपिक है न्यूमेरिकल एनालिसिस, पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। देखिए हमारे पास, हम बचपन से इक्वेशंस पढ़ते हुए आए हैं ना, जब हमें कोई इक्वेशन बताया जाता था कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन बराबर जीरो प्रूफ करना है या वैल्यू निकालनी है एक्स की, तो कैसे निकालते थे आप सिंपली आप कहते थे भाई एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो एक्स की वैल्यू वन और वन आ जाती थी, कोई दिक्कत? ठीक है। अच्छा फिर हमने कहा ठीक है, अगर आपको ऐसा कुछ दिया हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, जहां सिंपली फैक्टर्स आर नॉट पॉसिबल, सिंपली कॉम्प्लिकेटली हम कर सकते हैं अलग की बात है, अगर फैक्टर्स यहां पॉसिबल नहीं है तो वी आर हैविंग द फार्मूला एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। ठीक है, जहां ये जो रूट के अंदर लिखा है दैट इज ऑल्सो हैविंग अ निक नेम, इसका एक निक नेम था, इसको कैपिटल डी से लिखते थे, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते थे, याद है? बहुत बचपन की बात हम बता रहे हैं। इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला हम कहते थे। ठीक है, लेकिन मैं अगर आपसे कह दूं कि भाई एक्स ई टू पावर एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स, सॉल्व करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, कैन यू फाइंड इट? इट इज कॉम्प्लिकेटेड, इट इज कॉम्प्लिकेटेड, ये इक्वेशंस कॉम्प्लिकेटेड है। दैट वॉज इजी, ये इजी था क्या, है भी इजी, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड हैं। ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमने अपना एक मैथमेटिक्स बनाई, दैट इज न्यूमेरिकल एनालिसिस। ठीक है, अब हम बताते जा रहे हैं, अब नोट करते रहिए क्या क्या बता रहे हैं। तो हमारे पास में दो प्रकार के इक्वेशन होते हैं जिनमें इस प्रकार से डायरेक्ट एक वेरिएबल दिया हो, दैट इज कॉल्ड एल्जेब्रिक इक्वेशन, और जिसमें इस प्रकार के हों जिसमें एक एक्स भी हो, ई टू पावर एक्स भी हो, कॉस भी हो, लॉग एक्स भी हो, ई टू पावर एक्स, ए टू पावर एक्स, इसको हम ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो कितने टाइप की, नोट कर लिया ना इनको, इसको हल्का हल्का लिखते जाओ, नोट क्या करना है। अभी तो आज फर्स्ट डे है तो थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूजिक बजा रहे हैं। अब टाइप्स ऑफ इक्वेशन जो हमारे पास हैं, टाइप्स ऑफ इक्वेशन, हमारे पास इक्वेशन बेसिकली दो तरीके की होती हैं। एक होती है एल्जेब्रिक इक्वेशन, एल्जेब्रिक इक्वेशन या एल्जेब्रिक इक्वेशन कह दीजिए, कुछ लोग उसको एल्जेब्रिक पढ़ते हैं, कुछ लोग एल्जेब्रिक पढ़ते हैं, बोलते रहिएगा क्योंकि आपकी फोटो नहीं दिख रही है तो नहीं, वैसे तो दिख रहा है, एक और सेट हमारे सामने रखा है उसमें आपकी हम चीज़ देख रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो हमने कहा अगर इक्वेशन इक्वेशन इन द फॉर्म इक्वेशन इन द फॉर्म एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, अगर इस प्रकार का कोई इक्वेशन है दैट इज कॉल्ड एल्जेब्रिक इक्वेशन। सपोज आई हैव गिवन द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, दैट इज एल्जेब्रिक इक्वेशन, एल्जेब्रिक इक्वेशन। ठीक है, दूसरा जो टाइप्स ऑफ इक्वेशन है, या तुम हो तो यार बड़े स्मार्ट, तुम पहली बार देख रहे हैं आपकी फोटो नहीं वैसे इंडिया में नहीं नहीं इंडिया में हमसे ज़्यादा सब स्मार्ट है। जब कभी फ़ोटो वोटो खींचती है, कहीं पर ग्रुप सेशन होता है, तो मैं सोचता हूँ मुझसे जो छोटा हो हाइट में, मुझसे जो गंदा हो, उसको बगल में हम खड़ा करते हैं, उसे क्या होता है मेरी फ़ोटो निखर के आती है। खैर तो दिस इज कॉल्ड नहीं 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 वो तुम अच्छे हो इसलिए कर रखते हो ना कि हम गंदे हैं, इसलिए हमारी फ़ोटो अच्छी है, इसलिए हम हमारे बगल में गंदा खड़ा हो। खैर सेकेंड इक्वेशन इज ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन, ट्रांस टी आर ए एन एस सी ई एन डी, ट्रांसेंडेंटल, डी ई एन टी एल, डी ई एन टी एल, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन, यानी एनी इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन, साइन एक्स इन्वॉल्व हो, कॉज एक्स इन्वॉल्व हो, टैन एक्स इन्वॉल्व हो, और सेक एक्स कॉसेक एक्स इन्वॉल्व हो, या ई टू पावर एक्स इन्वॉल्व हो, लॉग एक्स इन्वॉल्व हो, ठीक, ए टू पावर एक्स इन्वॉल्व हो, तो अगर ये इन्वॉल्व हो, इस प्रकार के इक्वेशन को हम ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो इनको सॉल्व करें कैसे भाई, सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? तो सॉल्व करने के बहुत सारे इसको तरीके, कैसे तरीके हैं जरा देखिए, टाइप्स क्या कहेंगे, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन कहें या इसको हम कहें मेथड्स, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग दीज इक्वेशंस, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग दीज इक्वेशंस। तो पहला तो मेथड होता है डायरेक्ट मेथड,
तो डायरेक्ट मेथड को हम सॉल्व एक्चुअली करते हैं, जो आपके एल्जेब्राइक के क्वेश्चन होते हैं उनको डायरेक्ट मेथड से हम सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर ई टू पावर एक्स साइन एक्स लॉग एक्स है तो इनको सॉल्व करने में थोड़ा दिक्कत होता है, इसके लिए हमारे पास जो मेथड हैं वो चेंज हो जाते हैं इसमें। अब ये तो डायरेक्ट मेथड काम खत्म हो गया, इसके बाद एक मेथड आएगा, इसको कहेंगे बाइसेक्शन मेथड। यहीं से सिलेबस स्टार्ट होंगे आपकी इन्हीं मेथड से, बाइसेक्शन मेथड होता है एक। दूसरा मेथड आपका है, अब देखो ये अलग अलग नाम है, इसको रेगुला फॉल्सी मेथड कहते हैं, रेगुला फॉल्सी मेथड। कहीं कहीं पर रंगा फॉल्सी लिखा हुआ हमने देखा है, तो रंगा कोई वो विलन का नाम थोड़ी है, रेगुला फॉल्सी मेथड है, या इसको फॉल्स पोजिशन मेथड भी कहते हैं, दिस इज कॉल्ड फॉल्स पोजिशन मेथड। अब ये क्या होता है कैसे होगा वो बाद में बात की जाएगी जब मेथड आएगा। नेक्स्ट आपका टाइप है एक न्यूटन रैमसन मेथड, आर ए पी एच एस ओ एन, रैमसन मेथड मेथड, एक ये मेथड है आपका। और एक मेथड आपका है सीकेंट मेथड, सीकेंट मेथड, ठीक है। एक मेथड आपका है जैसे इटरेशन मेथड कहते हैं, इटरेशन मेथड, इटरेशन मेथड, इसको इटरेशन मेथड भी कहते हैं, कहीं कहीं पर इसको इटरेटिव मेथड भी कहा गया है, इटरेटिव मेथड, इटरेटिव मेथड। ये बेसिकली किसी इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके हैं, वो चाहे एल्जेब्राइक इक्वेशन हो और चाहे आपका ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन हो। तो ये बहुत सारे मेथड्स हैं जिनके बारे में एक एक करके हम बात करेंगे, ठीक है। हम पहले जो बात करेंगे तो इटरेशन की करेंगे, फिर एक एक करके बताया जाएगा, डायरेक्ट मेथड बताया जाएगा क्या होता है सब, ठीक है। बात समझ में आ गई, तो ये तो एक बात हुई कि भाई इक्वेशन कितने प्रकार के होते हैं, उन्हें सॉल्व करने के हमारे पास तरीके कौन कौन से हैं।